फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई है और देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी हिंसा हुई है। हुड्डा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के। जिस तरीके से ये पूरा मामला आप देखते हैं और राज्य में फिल्म पद्मावत रिलीज हुई है, लेकिन जिस तरीके से इसका विरोध दिखाई दे रहा है, स्कूली बस को निशाना बनाया गया गुड़गांव में, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से जहाँ तक इस घटनाक्रम का सवाल है और बच्चों की बस पे हमला किया है, ये एक निंदनीय है। और मेरी सभी से निवेदन है कि भाई जो है अहिंसा का प्रजातंत्र में हिंसा से नहीं अहिंसा तक तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हिंसक नहीं होना चाहिए और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, बच्चे तो हमारे भविष्य हैं। तो मेरी जनता से भी अपील है कि ऐसा कोई काम ना करें। अपना विरोध जताना है तो अहिंसक तरीके से जताएं। लेकिन जहाँ तक प्रदेश के कानून व्यवस्था की सवाल है, आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बिल्कुल जनाजा निकल चुका है। हरियाणा में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। ये इस इंसिडेंस की बात नहीं, इससे पहले भी आप देखते हैं, एक के बाद एक रोज़ आप अखबार पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हो रहा है। और आज ऐसी स्थिति में आ गया हरियाणा, अब हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे बसों में सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या मतलब होगा का? मतलब कोई ऐसा होता है जैसे आप कह सकते हो ना, प्रदेश में बिल्कुल वो फैल गया, कोई किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं। और ऐसी परिस्थिति लग रही है कि जैसे सरकार ही ना हो, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है प्रदेश में। कानून व्यवस्था प्रदेश की जिम्मेवारी होती है, प्रदेश सरकार की, और ये सरकार विफल है उसमें, डायरेक्शनलेस है। और जैसे जो आज स्थिति हुई हुई है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज क्राइम में तेजी से दौड़ में नंबर एक की तरफ दौड़ा हुआ है। ये इसके लिए पूर्ण रूप से मौजूदा सरकार बीमार है, क्योंकि ये दिशाहीन सरकार है, डायरेक्शनलेस सरकार है। तो मॉरल नैतिकता के आधार पर स्वयं इनको सरकार छोड़ देनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। और नहीं तो गवर्नर साहब से हमने आग्रह किया था कि इनको डिसॉल्व करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, फिल्म पद्मावत को रिलीज किया जाए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और अगर इस पूरे घटनाक्रम पर देखें तो राज्य के एक मंत्री का बयान आया है कि राष्ट्रभक्त इस फिल्म को देखने ना जाए। देखिए, जहाँ तक जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच ही शून्य हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहता, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, एक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया, लिहाजा सवाल पूछते हुए। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।